आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ दिस क्वेश्चन हैव गिवन एन एयर कोड सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टनस 800 कैरीज अ करेंट ऑफ 2.5 पॉइंट फाइव एमपियर द करेंट इज सडनली स्विस्ट ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10 टू द पावर माइनस थ्री सेकेंड हमारा है 10 टू पावर माइनस थ्री सेकेंड इग्नोरिंग द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड तो हमें इंड डफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है द एवरेज पैक ई एम एफ इंड्यूस्ड एक्रॉस द एंड ऑफ द ओपन सर्किट इन द सर्किट वुड बी तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था एवरेज पैक ई कैलकुलेट करना था बेसिक सी बात थी क्वेश्चन में क्या किया एक सोलिनॉड है सोलिनॉइड कैसे बनता है अगर हम कहें हमारे पास इस तरह से एक हॉलो सिलेंडर था क्या था हमारे पास इस तरह से एक हॉलो सिलेंडर था हमने क्या किया इस हॉलो सिलेंडर पर एक तार लिया और उसको लपेट दिया वाइंडिंग कर दी तो इस तरह से हमारे पास देखो एक तार को हमने लिया और क्या किया इस हलो सिलेंडर के ऊपर ऐसे हमने लपेट दिया

देखो इक्वल्स टू क्या होता है हमारे, हमारे पास देखो डी फाइव बाई डी टी ये हमारे पास इंड्यूस्डमएफ का फॉर्मूला होता है अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो रेट ऑफ ऑफ चेंज फ्लक्स हमारा क्या होता है इंड्यूसड कहलाता है तो पहले फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला फ्लक्स के लिए क्या होता है हमारे पास देखो बी डॉट ए ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है अब सोलेनॉइड के केस में अगर आपको एरिया तो पता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लें उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा तो आइए हम पहले फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के लिए कंसिडर करते हैं एक यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि इग्नोर द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द सोलोनॉइड जो एंड्स ऑफ द सोलेनॉड है वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है उसको हमें नेगलेक्ट करना है इट मीन्स कि एवरीवेयर चाहे एंड की बात करो चाहे बीच में कहीं भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है सेम है एवरीवेयर ऐसा क्वेश्चन में कहा है जनरली क्या होता है एंड पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू देखो म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है पर ये टू क्या होता है जब हम इंड करेक्ट इन इफेक्ट्स को लेते हैं लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसको हमें कंसिडर नहीं करना है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एवरी कितना हो जाएगा हमारे पास बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इन साइड एनी सोलोनाइड उसका फॉर्मुला यही होता है बी इक्व टू म्यू नॉट एन इन टू आई आई का था जो हमारे पास वाइंडिंग्स में करंट फ्लो कर रही थी अब यहाँ पे जो आपने तार लपेटा अगर उसमें आई करंट फ्लो कर रही होगी देखो तो ईच वायर में आई करंट फ्लो कर रही होगी इस तरह से हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है एन टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स कितनी है एन तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर यूनिट लेंथ ठीक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सॉरी एन की वैल्यू कितनी होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अब यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू अगर एन की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा हमारे पास देखो N आई डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा एल क्या था Length of the solenoid. तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का formula, अगर आप correction considered नहीं करेंगे तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लो फ्लक्स अगर देखो कैलकुलेट करो तो आ जाएगा हमारे पास फाइव टू बी डॉट ए फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा तो आ जाएगा ये हमारा फ्लक्स आ गया

जाएगा हमारे पास कैपिटल एन इंटू फाइव कैपिटल एन क्या था टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे phi क्या था? एक में कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तो टोटल फ्लक्स इतना जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे देखो म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिडेड बाई एल इंटू ए तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स अगर आपको पता चल गया तो आप इंड्यूस्ड ई कैलकुलेट कर सकते थे ठीक आप जैसे ही इंड्यूस्ड ई कैलकुलेट करोगे तो यहां पे एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे हमने मिसप्रिंट किया है यहाँ पे एन स्क्वायर भी तो आएगा क्योंकि एन इंटू फाइव करोगे फाइव में पहले से एक एन कैपिटल n था तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा एन स्क्वायर इंटू आई ठीक अब अगर हम देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होता है हमारे पास देखो मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी और फाइव की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास एन इंटू फाइव टोटल फ्लक्स की वजह से आप इंड निकालोगे तो फाइव की जगह पे आ जाएगा हमारे पास देखो एन इंटू फाइव आ जाएगा ठीक है ये हमारा इंड्यूस डीएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था एवरेज इंडम या बैक एवरेज इंड्यूस डीएमएफ तो यहाँ पे अगर एवरेज कैलकुलेट करोगे तो अगर यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करोगे एवरेज इंड्यूस डीएमएफ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल फ्लक्स डी क्या था टोटल चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास देखो यही फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन फ्लक्स फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास टोटल टाइम यही तो हमारे पास एवरेज होता है टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ठीक अब टोटल चेंज इन फ्लक्स आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है टोटल चेंज इन फ्लक्स कितना था अब यहाँ पे देखो चेंज इन फ्लक्स निकालना था तो इनिशियली जब करंट सर्किट में आई फ्लो कर रही थी जब इनिशियली देखो इस वायर में आई करंट फ्लो कर रही थी तब तो हमारे पास देखो इंड्यूस्ड ई मिलेगा आफ्टर टी इक्वल्स टू टेन टू दी पावर माइनस थ्री सेकेंड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास टेन टू दी पावर माइनस थ्री सेकंड हम आई करंट को स्टॉप कर देना अगर करंट जैसे ही स्टॉप होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा तो इनिशियली जो फ्लक्स था वो तो हमारे पास यही होगा इनिशियल फ्लक्स ये था जैसे ही करंट को आप जीरो करोगे तो आई जीरो हो जाएगा, फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा. तो 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 टोटल चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए डिडेड बाईगा एल इंटू टोटल तो टाइम तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन में गिवन है टोटल टाइम टी तो, तो ये हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड ई एम एफ आ गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे देखो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास फोर फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन था फाइव हंड्रेड तो इसका स्क्वायर कर दीजिए फाइव हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा आई क्वेश्चन में देखो करंट कितनी फ्लो कर रही थी करंट हमें गिवन है टू पॉइंट फाइव एम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे करंट की टू पॉइंट फाइव आ जाएगा हमारे पास इंटू एरिया एरिया ऑफ ए सोलनाइट क्वेश्चन में गिवन है कितना ट्वेंटी क्रॉस सेक्शन एरिया ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास देखो अगर सॉल्व करोगे तो ट्वेंटी फाइव इंटू टू दी पावर माइनस मीटर आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव इंटू टू द पावर माइनस फोर मीटर

आप कहोगे यहाँ पे सर लिखा था चेंज इन मैग्नेटिक चेंज इन फ्लक्स तो फ्लक्स का हमने चेंज निकाला है इनिशियल फ्लक्स होगा सॉरी ये इनिशियल फ्लक्स था फाइनल फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा जब आप करंट को आप जीरो करोगे तो यहाँ पे माइनस जीरो भी कर सकते थे चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम कितना गिवन था हमारे पास टोटल टाइम टेन टू दी पावर माइनस थ्री सेकंड के लिए हमने करंट को ऑन रखा था उसके बाद करंट को हमने बंद कर दिया था तो जैसे ही करंट को बंद करोगे हमारे पास फ्लक्स जीरो हो जाएगा अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो इंडियस डीएमएफ भी जीरो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे चेंज निकला है ना चेंज फ्लक्स का ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई टाइम करोगे अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो एवरेज इंड्यूज डीएमएफ कितना हो गया सिक्स लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन ऐसी ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप